से कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया तुमने गलती तो नहीं की है या फिर तुमने जानबूझ के किया है, कंफर्म कर ये चीजें। तो आपका बुक के अंदर आप देखोगे, आपके बुक जो मैंने प्रोवाइड कराई थी आपको, वीवीए का बुक मिला होगा ना आपको सर? हाँ। उस वीवीए के बुक में आपका जो चैप्टर एक आता है, 10वां नंबर चैप्टर है, कस्टम डायलॉग बॉक्स अल्टरनेटिव, वो चैप्टर में आपको करा। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट बॉक्स, जिसमें आपको डू लूप व्हाइल लूप का जो है ना, डू अंटिल लूप का हम यूज करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स जो हम लेते हैं उसके सिंटैक्स को देखते हैं। बोली भागम भाग हो गई मेरी। पहले तो वहां पे उनके पास गया, ब्लड की प्रॉब्लम हो गई उनको, फिर उनको ब्लड के अरेंजमेंट कराया, फिर आंटी का फोन आ गया कि कहां पे रहती है, कहा बोलते गाजियाबाद में, कि तुम छठ पूजा पे नहीं आए आज। अब बताओ कि मैं इनको देखू उनको देखू, छठ पूजा के देखू, समझ में नहीं आ रहा है। अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भागना पड़ेगा उनके पास। जैसे कि यहां पे हम मैंने कोई लिया, इनमें इनपुट बॉक्स हम करते हैं, इनपुट बॉक्स हमें पता है कि इनपुट बॉक्स यूज करने के लिए हम कहीं कोई ना कोई वेरिएबल या कोई कोई लोकेशन ढूंढते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे इनपुट बॉक्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इनपुट बॉक्स वैल्यू पिकअप करे कहीं स्टोर करता है, तो उसके स्टोरेज पॉइंट चाहिए होगा। तो उसके लिए हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल यूज करते हैं या किसी कमांड को उसका यूज करते हैं। जैसे कि सीट नेम पे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एक लोकेशन होना चाहिए, बेहतर नहीं होगा। दूसरा, जैसे हम ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं, एक आता है प्रमोट टाइटल डिफॉल्ट एक्सपोज वाई पोज हेल्प फाइल कंटेन, ये बहुत सारी चीजें। तो हेल्प फाइल तो मुझे ही पता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा प्रमोट होता है कि जो आप टाइप करते हो, जैसे कि एम ए लिख दिया एंटर द नेम, ये प्रमोट कहलाता है। मतलब कि अगर आप इसको ओके कर तो यहां पे ये शो होता है, उसको प्रमोट बताते हैं। टाइटल होता है जो ऊपर से होता है, जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है, मैं चाहता था खुद का टाइटल हो, जैसे यहां पे डिलीट का टाइटल आता था जब डिलीट किया था, तो नेम, तो ऊपर में आपका टाइटल आएगा नेम का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हट गया और आपका नेम का टाइटल आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है डिफॉल्ट। अभी क्या कि ब्लैंक लिखा होता, आप चाहते हो डिफॉल्ट में यहां पे नेम हियर, ये डिफॉल्ट दिखेगा। अब मैं डिफॉल्ट कर दिया तो नेम हियर जो है वो डिफॉल्ट मुझे दिखेगा। ठीक है, ओके। और एक्सपोज वाइजपोज होता है कि जब हमें अपीयर होता था, सेंटर में अपीयर हो रहा है ना, आप इधर अपीयर करवाना चाहते हो, इसकी पोजीशन क्या है, एक्सपोज और वाई पोज की पोजीशन दे सकते हो आप, ठीक है। और हेल्प फाइल होता है कि उसमें हेल्प का कोई बटन क्लिक देना चाहते हो, क्लिक करके हेल्प ले सकता है वो, तो अभी आगे बताऊंगा आपको उसका यूज क्या होता है। सबसे पहले अब इसको ये हटा देते हैं कि अगर मैं इसको आगे ओके करता हूं तो इसमें कुछ डालू ना डालू, कैंसिल हो कि किसी पे क्लिक कर दूं तो हट जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर आपने ये कर दिया, मतलब कि आपने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण आपने ऐसे इनपुट मांगा जो कि देना जरूरी है, जैसे आपके मान लो पाइवट टेबल का वैलिडेशन, तो इस पे आप एक कमांड दे सकते हो कि इनपुट बॉक्स के अगर डेटा रेंज ना हो, चाहे ऐसा रेंज ना हो, तो आगे प्रोसेस ना करे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं देना, आपने रन कर दिया है तो आपको एक फिनिश करना है। आपने माइक्रो रन कर दिया तो बीच में ब्रेक नहीं करोगे, आपको पूरी इक्वली फिनिश ही करना है। तो उस केस में इनपुट बॉक्स पे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो आपको डालना पड़ेगा। जैसे पासवर्ड कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
तो उस केस में हम यूज करते हैं डू व्हाइल लूप का. तो उस केस में यहां पे यूज करेंगे डू अंटिल, अंटिल अंटिल इक्वल टू, मैंने बोला ए, ए इज नॉट इक्वल, एक आ गया ड्रॉप बॉक्स, नॉट इक्वल टू ब्लैंक देन लूप. समझे? अब मैं इसको जब रिपेयर किया तो उसने कुछ ना कुछ तुमने डालना ही पड़ेगा, ब्लैंक तो लेगा ही नहीं. क्लिक करूंगा वापस आ जाएगा, वापस आ रहा है. अब कुछ डाल दिया एंड ओके किया तो मेरा आगे बढ़ गया. तो आप इसे पता चल गया डू अंटिल लूप क्या होता है. कि अभी जो आपने फोर लूप सीखा, फोर लूप में क्या था कि फोर लूप में था कि आपने एक पोजीशन स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ले दिया कि आपका एक से स्टार्ट होगा और बीस तक खत्म हो जाएगा. इसके लिए आपको हर समय स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होना ही चाहिए. लेकिन इसमें क्या पोजीशन रखोगे आप, स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन क्या? इसमें तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं पोजीशन रखने का. तो इसमें हमने एक कंडीशन दिया, इसमें कंडीशन दिया कि ए जब तक ब्लैंक है, ठीक है, तब तक तुम इसको अपीयर करो. जैसे ए नल ब्लैंक होगा अपीयर मत करो. अंटिल का मतलब हुआ यही हुआ, तब तक टिल आपको ये करना ही करना है. ठीक है सर? तो यहां पे हमने दिया अंटिल इनपुट बॉक्स एंटर द नेम और यहां पे कॉमा हमने नेम यूज कर लिया. ठीक है सर? तो इससे आपने डू अंटिल लूप को समझ में आया. अब इसी तरह से और भी चीजें भी यूज कर सकते हो कि जब तक इसकी इसके इनपुट बॉक्स की सही वैल्यू नहीं आती है तब तक ये आगे ना बढ़े, बाबा अपीयर करे. ठीक है? और जैसे जब तक हमारी फाइल के, जैसे आपने बोल रहे थे लेंथ की ही बात कर रहे थे, तो इसमें ये दे सकते हैं ना हम कि जब तक ये फाइल की साइज इतना नहीं होता तब तक वो वेट करे. उस चीज का यहां भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है सर? अब इनपुट बॉक्स के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग भी करते हैं. कैसे? यहां पे देखिए, यहां पे मेरे क्वेश्चंस नंबर है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है. मान लो कि 10 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? अब क्या है कि जैसे क्वेश्चन आया सबसे पहले उसका नाम लिखें, जैसे नाम दे वो नाम यहां पे आ जाए और फिर उसके आंसर वन बाय वन इसके नीचे 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 आते चले जाए. तो कैसे करेंगे? चलिए करते हैं. हाँ नहीं तो जी, क्या हुआ? नहीं, फोन पे आपने करना चाहा, फोन पे होता नहीं है. और मीटिंग में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक बंदा आपके साथ जुड़ा होती है, प्रशांत जी आपके साथ यहाँ पे जुड़े, क्लास उनकी चल रही है. अगर प्रॉब्लम होगी तो सब जगह प्रॉब्लम होगा ना. नहीं, एंड्रॉइड पे तो बिना गोटो मीटिंग सपोर्ट ही नहीं करता है, वो तो होगा ही नहीं. क्या एरर क्या आ रहा है? हाँ तो नेट का आपका स्पीड लेस देन 300 KBPS से नीचे है. ऐसा तभी आता है जब आपका स्पीड, ओहो स्पीड की बात कर रहा हूं ना, लेस देन 3 KBPS से नीचे से स्पीड आता है ना आपका. गो टू मीटिंग रन करने के लिए कम से कम 300 KBPS की स्पीड चाहिए होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होता है. जैसे 300 से नीचे जाएगा आपको ये वेरीफाई कम्युनिकेशन आएगा.
एक काम कीजिए ना, सिस्टम एक काम कीजिए, सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां पे मैं लिखा, यहां पे सबसे पहले करेंगे डिम, सॉरी रेंज, ये सबसे ऊपर में यहां लिखना है ना, तो एक काम करता हूं ना मैं यहां पे हाँ ए उठा लेता हूं, एक्सी एक्सी वन डॉट एंड, यहां सीधा में क्या बोलते हैं उसको, एक्सल राइट होगा ना, लेफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट आएगा ना, डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट बॉक्स में नाम तो होना ही चाहिए, तो बिना नाम है कैसे करेगी, नाम तो चाहिए चाहिए, तो ये हमारे हो गया, तो इसके लिए हम ऊपर वाला मैटर उठा लेंगे, कि जब तक तुम नाम नहीं डालोगे तब तक चलेगा नहीं, वैल्यू इक्वल टू ए कर दिया हमने, ठीक है? उसके बाद लूप चलेगा कि फोर I इक्वल टू वन टू, कितना 11 क्वेश्चन है ना, तो 12 टू से 12 चलेगा, 2 से 12, 2 से 12, ठीक है? अब इसमें हम यहां यूज करते हैं बी, बी इक्वल टू चाहे आंसर ए एन एस, आंसर इक्वल टू इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स, ठीक है? यहां पे क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, वो क्वेश्चन हो जाएगा सेल्स, इससे उठा लेते, ये क्वेश्चन ये है ना हमारा, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सेल्स आई कॉमा टू, आई कॉमा टू दूसरा नंबर सेल्स है डॉट वैल्यू। उसके बाद टाइटल है ना हमारा, टाइटल इस टाइटल भी सेम हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन, कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए एन एस इक्वल टू ब्लैंक देन, अब प्रॉब्लम यह है कि भाई किस पे आंसर डाले, यहां आंसर डाले तो ये आंसर ये पता नहीं चलेगा आंसर ये डालना, तो यहां पे जो हमने ये डाला है डाउट वैल्यू, इससे हम इसका कॉलम नेम पता कर लेते हैं, हम C इक्वल टू हमने दिया और डॉट वैल्यू के जगह बोला कि बेटा तुम्हारा कॉलम का नेम क्या है, कॉलम, बट प्रॉब्लम है यहां पे हमें जीरो, यहां पे ऑफसेट कमांड नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वह वैल्यू तो डल चुकी है, अभी पहला कमांड क्या करेगा, इस पे नाम डाल देगा, जैसे मारा मालो इसका नाम मनीष डाल दिया, तो जब लेफ्ट चलेगा तो यहां आएगा ना, अगर इसमें हम कुछ डाल दें तो ऊपर नीचे आ गया पीछे हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, इसलिए हमने ऑफसेट कमांड हटा दिया यहां से, ताकि ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, हेलो मिल गया मिल गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, वो देख बता तो दिया था इसने, बता तो दिया था इसने, ठीक ठीक ओके ओके ओके, आई कॉमा
हमने बोला सी, कॉलम लेंथ सी हो जाएगा। डॉट वैल्यू, इक्वल टू एल्स, इसकी वैल्यू आंसर ही रहेगी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हो सकता है उसने आंसर कुछ नहीं, इसमें हमने तो ऐसा तो नहीं लगाया कि ब्रेक हो, अगर उसका आंसर कुछ और हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब कुछ आंसर ओके कर दिया तो फिर हो सकता है ऊपर नीचे चढ़ जाए, तो यार कुछ भी करोगे तो वहां पे एक्स लग जाएगी, अपने इसे आंसर कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे नेक्स्ट आई, अब मैं इसको प्ले करता हूं। सबसे पहला आया कि भाई हम ओके कर दो, फिर भी ये करेगा ही करेगा, नाम तो चाहिए चाहिए, मेरा नाम मेरा चलेगा ही नहीं। तो मैंने नाम, जैसे मैंने राम डाल दिया, रवि, रवि डालते ही यहां देखिएगा रवि आ जाएगा, रवि आ गया। अब यहां क्वेश्चन वन आंसर दिया, क्वेश्चन टू आंसर दिया, क्वेश्चन यार थ्री चेंज हो रहा है, ऊपर भी टाइटल भी चेंज हो रहा है। मैं अगर ब्लैंक ब्लैंक कर दूं, ठीक है, तो इस कोड को समझिए। सबसे पहला कोड हमने यहां पे दिया, अब इसमें नीतू जी थोड़ा लेट आई है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ये लूप क्या कर रहा है। हमें क्या था कि इसमें नेम तो डालना ही था, सबसे पहला प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी ने रन किया अगर नेम नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा हिल जाएगा। तो हमने हमें क्या करना था, भैया आपने अगर रन किया है तो इनपुट बॉक्स, ये पहली इनपुट बॉक्स में आपको नेम तो डालना ही डालना है, विदाउट नेम डाले हम तो आगे मैको को बढ़ने नहीं देंगे, और ना हम मैको को खत्म करेंगे ना बढ़ने देंगे, आपको नेम तो डालना ही है, बाउंडेड हो गया ये। तो मैंने इसका लगाया डू अंटिल, ये भी एक लूप ही है, मैं लगाया डू अंटिल, डू के दो लूप है, एक अंटिल है एक वाइल है। तो डू अंटिल का काम क्या हुआ कि जब तक हमारा एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो कंडीशन ट्रू कब होगी, जब एपी को वैल्यू स्टोर होगी। फर्स्ट टाइम क्या है, ए ब्लैंक है, फर्स्ट टाइम ए तो ब्लैंक है ना, तो इसने देखा कि ए ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स हो गया कंडीशन, इसको इसने अपीयर करवाया। फिर सेकेंड टाइम जाके चेक करेगा कि ट्रू हुआ कि हुआ, ए पे कोई वैल्यू आई कि नहीं आई, अगर नहीं आए फिर चलाओ, आ गई नहीं आई फिर चलाओ, जैसी वैल्यू आ गई, हाँ वैल्यू आ गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर करो, तो ये लूप बाहर कर देगा। तो डू लूप जब भी लगाते हैं तो नेक्स्ट की जगह हम लूप लगाते हैं, और यहां पे हम अंटिल लिखते हैं या वाइल लिखते हैं, और साथ में कंडीशन देते हैं, एक लॉजिकल कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि तब तक ही चलता रहेगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जो नेम था उस नेम को हमने ए पे स्टोर करवाया था, इस ए पे स्टोर कोई की गई नेम को हमने यहां पे प्रिंट करवाया सबसे लास्ट कॉलम में। अब दोबारा जब रन होगा तो नाम यहां प्रिंट होगा, तो मैंने क्या किया लास्ट में चला गया, मैं यहां लास्ट में चला गया, फिर लेफ्ट में आया, फिर एक कॉलम आ गया, यहां पे नाम प्रिंट कर दिया, और साथ में नीचे वाला क्या कर रहा है, उसकी कॉलम की इंफॉर्मेशन, उसका कॉलम नंबर क्या है, वो इंफॉर्मेशन एक सी नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, उसकी कॉलम चार है पांच है। ठीक है, अब मेरे पास मेरे क्वेश्चन कितने हैं, मेरे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, लेकिन सेल कितना यूज हुआ, 12 यूज हुआ है। तो मैंने बोला कि भाई फोर लूप चलेगा 2 से लेके 12 तक, 11 क्वेश्चन है, 2 से 12 चले 11 तो हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि आंसर पे स्टोर होगा इनपुट बॉक्स, जिसकी जो प्रॉम्प्ट होता है जहां पे हम लिखते हैं, हम यहां लिख लिया कि क्वेश्चन प्रिंट करवाना है, तो क्वेश्चन प्रिंट को आने के लिए हमने सेल की वैल्यू उठा ली कि तुम क्वेश्चन की वैल्यू उठा लो। फिर एक टाइटल आया कि ऊपर में क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए, तो एक टाइटल ये उठ गया जो कि आंसर पे असाइन हो गया। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि बंदा आंसर नहीं भी लिख सकता, मान लो उसको आंसर नहीं समझ में आया तो नहीं लिखेगा, ब्लैंक छोड़कर ओके कर देगा। तो उस केस में तो अगर मान लो कि एक कंडीशन ना देते तो क्या होता कि फिर दिक्कत हो सकती है, या ब्लैंक हो जाता, या फिर अगर आप कभी सिलेक्शन करते तो ऊपर नीचे ऐसे हो जाता, एंड मेथड लेके चलते तो दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने एक कंडीशन, छोटी सी कंडीशन डाल दी कि अगर आंसर किसी ब्लैंक है, मतलब कि यूजर इनपुट बॉक्स में किसी ने कोई एंट्री की ही नहीं है, तो क्या हो जाए,
डबल एक्स लिखा हुआ आ जाए या ट्रिपल एक्स लिखा हुआ आ जाए, जो भी आप जाना चाहते हो। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आंसर है वो आंसर को प्ले कर दो, ये बार बार टाइप चलेगा। तो कंफ्यूजन है कोई इस मैक्रो में आप लोगों को? क्लियर है ना नीतू जी? ओके, अब दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए जैसे कि फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लो कि हमने कोई एनीथिंग फॉर्मूला यूज किया, अकाउंट का फॉर्मूला यूज किया, तो ए भी एक तरह का इनपुट बॉक्स होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके सिलेक्शन में रेंज उठाते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसा माइक्रो बनाना हो कि इनपुट बॉक्स के जरिए मुझे एक रेंज उठा रेंज पकड़ना हो, जैसे पाइवट में आता है रेंज, कंडीशन वर्डिंग में रेंज आता है, कंडीशन वर्डिंग में आप सिलेक्ट करते हो इक्वल टू ग्रेटर देन, वहां पे रेंज आता है। अगर उस तरह की चीजें हमें कुछ करनी हो तो नीतू जी, अभी तक आपने हेडफोन नहीं खरीदा है ना, बहुत गलत बात है, आपकी क्लास खत्म होने पर आ रही है और आपने अभी तक हेडफोन परचेज नहीं किया, तो फिर स्पीकर ऑन क्यों करते हो? अब इको होती है शान, सर जब भी क्लास में लेता हूं तब भी मेरी साउंड आपके माइक होके मुझे सुनाई देती है। उसे मुझे पता चलता है कि मैं हमेशा म्यूट पे रखती हूँ, आप चेक कर लेना। आप म्यूट पे रखते हो, सही बात है, क्वेश्चन पूछने के लिए कंफर्म करेंगे, अनम्यूट तो करते हो ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडफोन उसकी स्पीकर में स्पीकर से आवाज आ रही है, माइक है तो हाँ, लैपटॉप होगा चाहे डेस्कटॉप होगा तो स्पीकर से माइक होते हुए साउंड आती है। तो हेडफोन यूज करने से क्या होता है ना कि आपकी स्पीकर की आवाज है ना आपके हेडफोन के जरिए ही आपके कानों में जाएगी, बाहर दिखेगी वो आएगी नहीं, ठीक। तो उससे साउंड इको नहीं होता है, ऐसे क्या होता है मैंने बोला आपने सुना फिर आपके माइक से फिर उन्हें मेरे पास आया, उसे दो होती है, एक तो डिस्टर्बेंस होती है, दूसरी आपके इंटरनेट का भी खर्चा बढ़ता है, डेटा डाउनलोड होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हो गया, अब हमें करना है इस तरह से, तो कैसे करें, चाहिए एक सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो सब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि उस केस में जब भी आपको इनपुट बॉक्स जो आप इनपुट बॉक्स यूज करते हो जिसमें आपको इस तरह के टाइटल्स यूज फॉर्मूला वगैरह यूज करने हो, तो उस केस में हम एक वेरिएबल पे ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब मुझे रेंज पे लेना है तो एक वेरिएबल क्या होगा, रेंज होगा, तो मैंने बोला डिम आर एज ए रेंज, ठीक है। और जब भी हम रेंज आर इक्वल टू नहीं करेंगे क्योंकि रेंज एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हमेशा हम सेट करते हैं इस तरीके से कि सेट आर इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब इनपुट बॉक्स में लेना है तो इनपुट बॉक्स में देना पड़ेगा इस तरीके से कि एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के जरिए कॉल करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। जब भी आप इनपुट बॉक्स और फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, और फिर यहां पे जो देना चाहते हो दीजिए, मैंने यहां पे दे दिया सेलेक्ट सम रेंज, फिर टाइटल में दे दिया सम, सबसे लास्ट में आपको टाइप पे जाना पड़ेगा, और टाइप में आपको देना है इसका टाइप जो देना है आपको वो टाइप एट देना है। देखिए इसमें टाइप अलग अलग टाइप है, अगर जीरो करते हो तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, मैं नॉर्मल एंट्री होती है डेटा एंट्री, जो फॉर्मूला की एंट्री होती है नंबर वैल्यू का फॉर्मूला दो होते हैं ना वो, अगर आप वन करते हो तो नंबर होता है, टू करते हो तो टेक्स्ट होता है टाइप में, अगर फोर करते हो तो ट्रू एंड फॉल्स की रेफरेंस होती है, एट करते हो तो सेल रेफरेंस होता है, और 16 करते हो तो एनए होता है। ये आपका जो बुक है, बुक का पेज नंबर 399 पे 399 नंबर पेज पे चीज दी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है।
कई बार हम ये करते हैं कि भैया नंबर ही आना चाहिए, तो इस तरह से टाइप देना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ, लेकिन लिखने का तरीका गलत है, लिखने का तरीका गलत है, आप कंफ्यूजन हो सकती हो। तो सबसे अच्छी तरीका है कि उसका वो जो सेमी कॉलन से होता है ना, कॉलन से जो होता है उसका यूज किया करो। तो यहां पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, प्रोमोट, प्रॉम्प्ट, पी आर ओ एम पी टी, प्रॉम्प्ट इक्वल टू, फिर इसमें दूंगा टाइटल, टाइटल इक्वल टू, फिर दूंगा टाइप, ठीक है, और फिर एमएसजी बॉक्स यहां पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम ब्रैकेट ओपन, इसमें आप दे दो आर, आर एक रेंज है तो डायरेक्टली आर दे सकते हो आप, लेकिन अगर आर आई स्ट्रिंग होता तो नहीं दे सकते थे आप। अब इसमें प्रॉब्लम हुआ कि इसकी टाइटल पे आपने दिया, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करनी थी, अभी रेंज नहीं आएगा, सिलेक्ट करोगे तो रेंज नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, अभी ये दिक्कत है इसमें। तो आपको टाइटल के बाद यहीं पे, टाइटल के बाद ही यहां पे लिखते हैं डिफॉल्ट, डीई, हेलो, तुम फोन काट रहा हो उसका मतलब क्या है कि मैं क्लास में बैठा हूं तो क्यों मेरा फोन कर रहा है? नहीं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यहां पे लिख दिया सिलेक्शन डॉट एड्रेस, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसकी एड्रेस हमारा डिफॉल्ट बन जाएगा। अब इसको प्ले करते हैं, आया, देखा, जहां जहां क्लिक कर रहा हूं एड्रेस बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इनपुट बॉक्स को एज ए सम रेंज में। तो ये माइक्रो में कोई डाउट है आप लोगों को? नीतू जी, प्रशांत जी, क्या समझ में आया? नीतू जी आप दुआ बोलेंगे, सुन नहीं पाया, तो नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बताओ? सर मेरे को नहीं समझ आया, सर ये जो आपने सेट आर किया ना, डिम आर रेंज समझ आ गया, तो सेट आर इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, इसके बाद ये जो आपने एंट्री की ना, ये थोड़ा सा देखिए बता रहा हूँ आपको, सेट आर हम इसलिए किया, ये सिंपल समझिए कि क्योंकि ये रेंज है, रेंज एक ऑब्जेक्ट है, कोई डेटा टाइप है नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, सेट लगाना ही पड़ता है, दिस इज रूल ऑफ द बीबीए, ठीक है। दूसरा कि हमने एप्लीकेशन के जरिए काउंट इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी टाइप को चेंज करना है, हम डायरेक्ट इससे पहले ऊपर डायरेक्ट इनपुट बॉक्स लिख रहे थे, लेकिन डायरेक्ट इनपुट बॉक्स में आप देखोगे कि उसमें टाइप का काम नहीं होता है। यहां पर देखिए आपको टाइप नहीं दिख रहा है, प्रमोट में टाइप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो टाइप लाने के लिए हमने एप्लीकेशन से कॉल किया इसको। तो यहां पे देखिए कि हमें क्या है कि इसमें प्रमोट एज स्ट्रीम है, टाइटल है, डिफॉल्ट है, लेफ्ट टॉप बॉटम, कॉन्टेक्स्ट आईडी और टाइप है। तो मुझे इसमें से तीन चीज चाहिए, प्रमोट एज स्ट्रीम चाहिए जहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट द सम, टाइटल चाहिए, डिफॉल्ट जिससे मेरा रेंज आ जाए उसके अंदर, क्लिक करूं तो उसकी सिलेक्शन चले जाए जिससे इनपुट बॉक्स की रिजल्ट आएगा, और टाइप जिससे हमारा इनपुट बॉक्स का टाइप पता चलेगा कि हाँ ये रिसेल रेफरेंस स्टाइल ले रहा है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको, मुझे अगर नहीं इस तरह से लिखते नहीं सर, ये जो टाइप, हाँ बताइए, सॉरी सर, एक्चुअली ये जो आपने टाइप इज इक्वल टू 8 लिखा है, ये टाइप क्या है ये नहीं मुझे समझ में। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंट्रो बॉक्स के करीब है आपके 5 या 6 टाइप है, ठीक है ना, उससे पता चलता है कि इनपुट बॉक्स में होले वाले एंट्री किस तरह की डेटा एंट्री की जाएगी। ऐसे जनरली हमने अगर इनपुट बॉक्स पे ली है, इस पे एंट्री जो ही है उसको टेक्स्ट ही मानता है वो, ठीक है, ओके।
लेकिन हम चाहते हैं कि भाई एंट्री के नंबर जो है वो टेक्स्ट नहीं है, कुछ और है, रेंज है या फिर नंबर है या फॉर्मूला है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो उसके लिए टाइप डिसाइड करना पड़ता है। तो उस टाइप डिसाइड करने के लिए हम एप्लीकेशन इसको कॉल करते हैं। तो अगर मैं यहां पे जीरो डालूं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कि जो फॉर्मूला बार में जब एंट्री करते हैं ना ए हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहां पे वन करता हूं तो नंबर हो जाएगा, टू करता हूं तो स्ट्रिंग हो जाएगा, फोर करता हूं तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, एट करता हूं तो सेल रेफरेंस स्टाइल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे एट डाला। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इनपुट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है, तो हीरो को इनपुट करनी पड़ेगी, और सिलेक्शन करते समय कैसे लेगा कि मैं सिलेक्शन किया और इनपुट बॉक्स में चला जाए, हम उसे एंट्री तो की नहीं है, उसके लिए मैंने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी कि सिलेक्शन डॉट एड्रेस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, जो सिलेक्शन चेंज करेंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इवेंट पे है। आया समझ में? अब बाद में आर को जहां यूज करना चाहो तो वहां यूज कर लो। प्रशांत जी, आपको समझ में आ गया ना? इनपुट बॉक्स के बाद टाइप आपने बताया था, ये कौन से पेज में है? 399 चैप्टर नंबर 10 है, 399 नंबर पेज है। अब बात आती है मैसेज बॉक्स की, तो मैसेज बॉक्स को देखते हैं। मैसेज बॉक्स भी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। जब हम यहां पे एमएसजी बॉक्स लिखते हैं, यहां पे देखोगे इसके भी प्रमोट है, बटन्स है, टाइटल्स है, तो आगे आगे आप लोग लिखते थे हाय, हाय लिख दिया तो ये जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो क्या करता है, सिर्फ हाय ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। यहां पे अगर चाहते हो कि अपना खुद का है तो उसके लिए टाइटल देना पड़ेगा आपको, तो कैसे दोगे टाइटल, तो उसके लिए आपको इसका ब्रैकेट, इसके लिए आपको यहां पे देना पड़ेगा और यहां पे लिखो पी आर ओ एम टी टी प्रमोट इक्वल टू, यहां पे लिख दो आप जो भी लिखना चाहते हो हाय। फिर टाइटल के लिए टाइटल हाय। अब मैं इसको अगर प्ले करता हूं तब देखोगे ऊपर हाय आया, इस तरह का इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कि जब भी हम प्ले करते हैं तो इसमें आप देखोगे एक ओके का बटन आता है, मैं चाहता हूं कि यस और नो का या बीवी ओके का बटन आए। ठीक है, और बटन के हिसाब से जब क्लिक करें, जैसे कि मैं हम लोग यहां करते हैं ना, जैसे मैं इसको बंद करूं तो पूछता है ना, ये भी एक तरह का मैसेज बॉक्स ही है और इसमें तीन बटन है, यस नो एंड कैंसल। तो आप इस तरह कुछ बटन चाहते हो तो उस केस में आप बटन चाहते हो तो क्लिक होने पर कहीं स्टोर करेगा, तो उसके लिए आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे कि मैसेज बॉक्स पे वेरिएबल देने पड़ेंगे, मैसेज बॉक्स पे आपको वेरिएबल देने पड़ेंगे। तो किस तरीके से वेरिएबल देंगे हम, निम ये आपको हमेशा इंटीजर में लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो यस नो देता है, सारे को सारे लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है। फिर इसके बाद मैंने यहां पे दे दिया वेरिएबल, दे दिया यस नो, और इसमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा हमें, हाय ठीक है, और कॉमा या सेलेक्ट करो जो करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे वीवी ओके ओनली क्वेश्चन मार्क, मुझे क्या करना है, मुझे इस पे करना है कि इसमें यस और नो, यस नो सेलेक्ट कर लिया और बैकल क्लोज कर दिया, तो जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखोगे यस और नो आएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वहां पे यस स्टोर हो जाएगा और नो करूंगा तो नो स्टोर हो जाएगा, किस पे, आंसर पे। देखिए जो वहां पे होगा वो एक नंबर होगा,
तो आप कंडीशन से दे सकते हो, जैसे हमने बोल दिया कि इफ ए एन एस इक्वल टू वी वी ओ के देन, फिर यहां पे जो करवाना चाहते हो करवा लो। सर वो देखिए एस को इंटीजर, हाँ तो इंटीजर है ना। अब इसकी देखो आप ओके लिख सकते हो या फिर इसकी एक नंबर होता है, इसका नंबर वन होता है, यहां पे वन लिख दो, ठीक है ना। जैसे नो का नंबर सेवन होता है, सेवन लिख दो, ये पेज नंबर 403 पे आपको मिलेगा। या फिर आप वीवी के साथ लगा, याद नहीं है तो वीवी नो लगा दो, वीवी नो। अब ये इस तरह से आप कंडीशन देके इसको आगे काम करवा सकते हो। जैसे कि यहां पे करवाया गया है कि अगर मैं इस यस पे क्लिक किया तो फाइल को क्लोज कर देगा, सेव सेव करेगा मैं फाइल क्लोज करूंगा, नो करेगा फाइल को बिना सेव किए हुए क्लोज कर देगा, कैंसिल करेगा तो कोई ना क्लोज करेगा ना सेव करेगा, स्टिल जैसा ऐसा छोड़ देगा, इसको स्किप कर देगा। तो इस तरह से जिस तरह से मैसेज आप डिजाइन करना चाहो इस तरह से मैसेज डिजाइन कर सकते हो यहां पे, ठीक है सर। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें बटन दिखते हैं सर। हम बताइए। हेलो सर, बोलिए मैम। सर इसमें आपने बुलियन क्यों नहीं यूज किया, बुलियन तो ट्रू और फॉल्स के लिए होता है ना। मतलब मैम ए यस नो, यस नो जो नंबर है ट्रू फॉल्स के अंदर में नहीं है। ट्रू फॉल्स में एक जीरो वन होता है उसका नंबर, लेकिन लेकिन इसका अलग है, इसका एक अलग डायरेक्टरी है जिसके अंदर स्टोर है, लेकिन उसकी के जैसा फील होता है कि आप ट्रू लिखते हो तो एक्चुअली ट्रू नहीं होता है, वन होता है। नॉट ट्रू और फॉल्स, तो उसी कास्ट का आता है, कास्ट हुई है। अब इसमें एक चीज और देखा था, जब हम इसको क्लोज करते थे तो इस पे इस तरह का एक सिंबल आ रहा है, इस तरह का सिंबल अगर आपके खुद के लाना है तो कैसे लाओगे, उस सिंबल के लिए आपको इसी में प्लस करने पड़ेंगे। प्लस कर लिखोगे और इसमें आपको क्या लाना है, किस तरह का इंफॉर्मेशन लाना है, विद इंफॉर्मेशन लिख दो। जब ओके करेंगे हम तो आप देखोगे, अच्छा मैंने इफ नहीं लगाया ना, सॉरी। इन्फॉर्मेशन आ गया वक्स, इसी तरह ये क्या, अब जो जाओ प्लस कर दो, प्लस करके ले सकते हो आप यहां पे। मुझे प्लस ए चाहिए, क्वेश्चन क्रिटिकल चाहिए, क्रिटिकल कर दिया, अब प्ले करूंगा ऐसा आ गया क्वेश्चन मार्क के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें ना सर, क्लियर ना। तो आप अपने बुक का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 403 से आगे की जो चीजें हैं उसको कंटिन्यू स्टडी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको यूजर फॉर्म वगैरह आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे ऑटोमेशन पार्ट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की बैच का फोन आ रहा है तो मुझे क्लास लेनी पड़ जाएगी अभी, ठीक है।